जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक ईडीपी सभागार में जिला प्रमुख सूर्या अहारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नरेगा योजना में श्रम मद में 99 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों में देरी को लेकर सदन काफी गर्माया। आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि लगातार 3 बैठकों से वे ठेकेदार की मनमर्जी के चलते काम में देरी की बात रखते आए हैं, लेकिन अधिकारी ठेकेदार को शह देते हैं और ऐसे में ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है जिससे जनता त्रस्त है। पिछले 2 सालों से लगातार अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि योजना 2024 तक चलेगी। बिच्छीवाड़ा पंचायत समिति प्रधान देवराम रोत ने भी कहा कि किसी भी गांव में काम की प्रगति अब तक नजर नहीं आ रही है, जबकि 3 साल होने आए हैं। कम से कम हर पंचायत समिति में एक पंचायत तो मॉडल के रूप में विभाग तैयार करे, जिसे जनप्रतिनिधि यह दिखा सकें कि सरकार की योजना जनता के लिए कितनी कारगर है। सब्जी मिनी किट वितरण को लेकर जिला परिषद सदस्यों ने ग्राम सेवकों पर मनमर्जी चलाने के आरोप लगाए, जिस पर एडीएम हेमेंद्र नागर ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अधीनस्थों को जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने का तरीका सिखाएं। ओबरी राशन डीलर को फिर से बहाल किए जाने पर जिला परिषद सदस्य सूरमाल ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि आप काम नहीं कर सकते हैं तो सदन में बता दें, नहीं तो रिटायरमेंट भी बिगाड़ देंगे। जिला परिषद सदस्य के इन तेवर पर सदन ने चुप्पी सा माहौल हो गया। बिजली कनेक्शन में लापरवाही और अघोषित कटौती पर भी सदस्यों ने आक्रोश जताया। जिला परिषद सदस्य रेखा ने कहा कि सदन में अधिकारियों को सिर्फ कुछ देर ही सुनना पड़ता है, जबकि जनता के काम नहीं होने से फील्ड में रोजाना इस तरीके की परेशानी से उन्हें 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। अधिकारियों को चाहिए कि जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील रवैया रखें। जिला प्रमुख सूर्या अहारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत राज में होने वाले कार्यों की जानकारी स्थानीय सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को भी दें, ताकि उन्हें भी अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की खबर रहे।